Hello everyone, this is Sabhyadha. I work as an instructor in stenography and secretarial assistant at GITIW Sector 11, Chandigarh. Today we are going to learning about basic grammar. These are the topics: noun, pronoun, adjective, verb, adverb, direct and indirect object, transitive and intransitive verb, classification of sentence, phrase, clause, and in the last but not the least, punctuation. Let's talk about our first topic, noun. हम बहुत अच्छे से familiar हैं इस topic से, हमारे बचपन से ही. A noun is a word which used to refer a person, item, thing or a place. In every sentence in English, there must be a subject, and that subject will always a noun. For example, Arav bought some pencils from the shop. Here, Arav is a person, pencil is a thing, and shop is a place. Here's more examples. To name a person, like the Prime Minister. To name a place, like the beach, Mount Everest, and to name a thing, an idea. And these are the types of nouns. There are two types of noun: proper noun and common noun. And common noun divided into two parts: countable noun and uncountable noun. And again, countable and uncountable divided into two parts. So hum itna ghabrate nahi hain. जल्दी से हम इसको आगे पढ़ते हैं. फर्स्ट आ जाता है प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज अ नेम एंड इट कैन बी बिलोंग टू अ पर्सन, प्लेस और इवन एन ऑब्जेक्ट. प्रॉपर नाउन हेल्प्स टू आइडेंटिफाई अ पर्सन, प्लेस और एन ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, माइक्रोसॉफ्ट ब्रिंगिंग out a new version of Windows next year. There is a Microsoft and a Windows is a proper noun, because all over the world there is a only one company which name is Microsoft. Clear? Next aa jata hai common noun. Common noun refers to a person, place or a things that are of the same kind. Common nouns do not identify a specific people, place or a thing, but refer to them in a general way. Proper noun में क्या था कि हमें एक identify कर पा रहे थे हम एक person को, एक place को, but common noun में हम किसी भी specific people या person को, मतलब place को हम identify नहीं कर पाते. For example, in today's world, there is no difference between the salaries earned by men or women. There is world, men and women are the common noun. Because we don't know, hum kin aadmi aur kin auraton ki baat kar rahe hain. Correct? Next aa jata hai countable noun. Humne piche dekha tha ki countable nouns टू पार्ट्स में डिवाइडेड थे. वन इज कंक्रीट एंड अनदर इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. द कंक्रीट काउंटेबल नाउन, देयर कैन बी काउंटेड एज वन और मैनी एंड दे कैन ऑल्सो बी सीन और टच. हम उन्हें गिन सकते हैं, हम उन्हें देख सकते हैं, हम उन्हें छू भी सकते हैं. वो आते हैं कंक्रीट काउंटेबल नाउन्स में. फॉर एग्जाम्पल, द शीप गेजिंग पीसफुली इन द फील्ड. तो देयर इज अ शीप, हम उन्हें अगर वहाँ पे एक है, दो है, हम उन्हें गिन सकते हैं, हम उन्हें देख भी सकते हैं, हम उन्हें छू भी सकते हैं. इसीलिए उन्हें कंक्रीट काउंटेबल नाउन में डाला गया है. नेक्स्ट आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट काउंटेबल. इन दिस, दीज कैन बी काउंटेड एज वन और मैनी बट दे कैन नॉट बी सीन और टच. एब्स्ट्रैक्ट काउंटेबल नाउन में हम उन्हें गिन सकते हैं बट देख नहीं सकते और छू नहीं सकते. फॉर एग्जाम्पल,
यू नेवर कीप द प्रॉमिस दैट यू मेक. हमें वो प्रॉमिसेस नहीं करने चाहिए जो हम पूरे नहीं कर सकते. तो प्रॉमिस, देर इज अ वन प्रॉमिस या टू प्रॉमिसेस, थ्री प्रॉमिसेस, बट वी कैन नॉट सी द प्रॉमिस एंड वी कैन नॉट टच द प्रॉमिस, बट वी कैन काउंट. नेक्स्ट आ जाता है अनकाउंटेबल नाउन. अगेन अनकाउंटेबल नाउन डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट. तो देर इज फर्स्ट कंक्रीट अनकाउंटेबल नाउन. दीज कैन नॉट बी काउंटेड बाय दे कैन बी सीन और टच्ड. हम उन्हें देख कर और छू कर नहीं गिन सकते. फॉर एग्जाम्पल, प्लीज बाय सम मिल्क टूडे, वी हैव रन आउट ऑफ इट. देर इज अ मिल्क. हम दूध को गिन नहीं सकते, केवल छू सकते हैं और देख सकते हैं. दीज आर द कंक्रीट अनकाउंटेबल नाउन. एंड नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट अनकाउंटेबल. दीज कैन नॉट बी काउंटेड एज वन और मैनी एंड दे ऑल्सो कैन नॉट बी सीन और टच्ड. यहाँ पे आते हैं जिन्हें हम देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, ना ही काउंट कर सकते हैं, उन्हें बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट अनकाउंटेबल नाउन. फॉर एग्जाम्पल, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन पेशेंस कैन मेक थिंग्स ईजियर. पेशेंस को हम गिन नहीं सकते, देख भी नहीं सकते और छू भी नहीं सकते. यहाँ पे हमारा फर्स्ट टॉपिक क्लियर होता है. लेट्स फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, प्रोनाउन. अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट कैन स्टैंड फॉर और रिप्लेस अ नाउन दैट हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड इन अ सेंटेंस. बेसिकली प्रोनाउन जो है वो नाउन की रेपिटेशन को रिप्लेस करता है एंड द प्रोनाउंस जर्नली कम्स आफ्टर द नाउन. फॉर एग्जाम्पल, हैरी एंड रोहन वेंट इन टू द जंगल एंड दे वर अटैक्ड बाय स्नेक. देर इज दे इज अ प्रोनाउन विच इज रिप्लेस्ड नाउन्स. एंड बिलो देर इज अ टेबल. थ्रू दिस वी कैन इजिली डिस्टिंग्विश बिटवीन सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. लेट्स टॉक अबाउट इट्स टाइप्स. फर्स्ट इज पर्सनल प्रोनाउन. अ पर्सनल प्रोनाउन इज अ शॉर्ट वर्ड वी यूज एज अ सिंपल सब्स्टिट्यूट फॉर द प्रॉपर नेम ऑफ अ पर्सन. फॉर एग्जाम्पल, सीरत इज माई फ्रेंड, शी इज गुड इन स्टडीज. देर इज शी इज रिप्लेस्ड नाउन विच इज सीरत. शी इज अ पर्सनल प्रोनाउन. नेक्स्ट आ जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. दीज आर वर्ड्स यूज टू पॉइंट एट समथिंग और समवन एंड लाइक ऑल प्रोनाउंस दे रेफर टू और रिप्लेस नाउन्स. दे हेल्प द लिसनर टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट और हुम द स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में बेसिकली जैसे सभी प्रोनाउंस बताते हैं कि रिप्लेस करते हैं नाउन्स को, वैसे ही डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ये बताता है कि जो स्पीकर है किस बारे में और किस के लिए बात कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, डू यू हैव अनदर पेन, दिस वन इज नॉट वर्किंग. एंड देयर इज दिस, दिस इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. नेक्स्ट आ जाता है indefinite pronoun. These pronoun being with no and they shown an absence of information regarding an object or a person. Indefinite pronouns है वो हमेशा ही ना के साथ जीते हैं, ठीक है. वो object और person के regarding कोई भी information हमें provide नहीं करते. For example, nobody was able to answer the teacher's question. जो हमेशा से होता है, nobody was able to answer the teacher's question. There is nobody is a indefinite pronoun. Next आ जाता है interrogative pronoun.
टू इंटेरोगेटिव मीन्स टू आस्क द क्वेश्चन, ये हम सबको पता है. सो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन. फॉर एग्जाम्पल, हु वॉज नॉकिंग एट द डोर, बट माई फेवरेट वन इज हु इज टॉकिंग इन द क्लास. नेक्स्ट आ जाता है पोजेसिव प्रोनाउन. दीज आर यूज टू इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पीपल. फॉर एग्जाम्पल, इज द बुक लेइंग ओवर देयर योर, येस इट इज माइन. यहाँ पे जो योर्स है और माइन है, ये रिलेशनशिप बता रहा है कि बुक का रिलेशनशिप किस पर्टिकुलर पर्सन के साथ है. नेक्स्ट आते हैं एडजेक्टिव्स. बेसिकली एडजेक्टिव्स जो हैं वो नाउन की क्वालिटीज को एक्सप्लेन करते हैं. एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन टेलिंग अस समथिंग स्पेसिफिक अबाउट इट. फॉर एग्जाम्पल, शिमला इज फेमस हिल स्टेशन. सो देर इज अ फेमस, डिस्क्राइब द पॉपुलैरिटी ऑफ शिमला एज अ हिल स्टेशन. तो फेमस इज अ एडजेक्टिव. When a sentence has more than a one noun and the adjective usually describe the noun to which it is closest. जब एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा नाउन आते हैं तो एडजेक्टिव उसी नाउन की क्वालिटी को बताता है जिसके वो सबसे नज़दीक होता है. For example, the clever girl fooled the boy. There is, girl is clever. नेक्स्ट आ जाते हैं इनके टाइप्स. फर्स्ट आता है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स. द क्वालिटेटिव एडजेक्टिव डिस्क्राइब द साइज, शेप, कलर और एट्रीब्यूट्स ऑफ अ पर्सन और अ थिंग. फॉर एग्जाम्पल, वट अ ब्यूटिफुल हाउस. देयर इज ब्यूटिफुल इज अ क्वालिटेटिव एडजेक्टिव. If we say what a house, so there is no quality in a house, but what a beautiful house is explaining the quality of house. Next आ जाते हैं quantitative adjective. A quantitative adjective, the amount of quantity of uncountable and the number of countable nouns. For example, the examination was taken by 78 students. So there is examination and the 78 students are quantitative adjectives. Next आ जाते हैं possessive adjectives. जो possessive adjectives हैं ये वैसे ही थे जैसे हमने last pronouns में पढ़ा था, possessive pronouns. ये भी वैसे ही हैं. Let's read it. Like pronouns, possessive adjective also specify ownership or relationship, but they do not replace the noun. ये भी ownership और relationship को ही explain करते हैं, specify करते हैं, but they do not replace the noun, जैसे कि possessive pronoun करते थे. A possessive adjective appears together with the noun standing before it. There is 7 possessive adjectives. For example, my, our, your, his, her, its, their, and this is my pen. So my is a possessive adjective. Next आ जाते हैं interrogative adjective. The 3 most commonly used interrogative adjectives are which, whose, and what. They are used to form questions. सिंपल, जैसे ही इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस होता था वैसे ही यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए हम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हूज शूज आर दीज, ये जूते किसके हैं. सो हूज, देर इज अ हूज इज अ इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव. नेक्स्ट आ जाते हैं एडजेक्टिव कंपैरिजन. So there is a 5 types of adjective comparison. When we compare the quality and the quantity of a 2 or more things, जब एक से
से ज़्यादा या दो से ज़्यादा लोगों में कंपैरिजन करते हैं या चीज़ों में कंपैरिजन करते हैं, वहाँ पे एडजेक्टिव कंपैरिजन आते हैं। एंड दीज आर फाइव टाइप्स। फर्स्ट आ जाता है एट अ हायर लेवल, लाइक अर्चना इज टॉलर देन रिचा। एंड द सेकेंड इज इन अ लोअर लेवल, साधना इज शॉर्टर देन विनर। एंड एट द सेम लेवल, आरती इज टॉल एज अशांक। एंड इन अ फोर्थ, इन अ हाइएस्ट लेवल, सीमा इज द टॉलेस्ट अमंग ऑल द स्टूडेंट्स। एंड लोएस्ट लेवल, प्राची इज द शॉर्टेस्ट अमंग ऑल द स्टूडेंट्स। एंड दीज आर द कंपेरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। एंड बिलो दिस टेबल, दीज आर डिवाइडेड इन थ्री कैटेगरीज, पॉजिटिव, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव। गो थ्रू इट, द टॉल, टॉलर एंड टॉलेस्ट। सो टॉल इज अ पॉजिटिव, टॉलर इज अ कंपेरेटिव, सुपरलेटिव इज अ टॉलेस्ट। नेक्स्ट आते हैं वर्ब। बेसिकली वर्ब्स जो हैं वो नाउन्स के एक्शंस बताते हैं, स्टेट बताते हैं। नाउन्स करते क्या हैं, कर क्या रहे हैं ऑन द सेम टाइम, वर्ब्स बेसिकली वो बताते हैं। अ वर्ब इज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट शोज व्हाट समवन और समथिंग डज, व्हाट हैपन्स टू समवन और समथिंग, और द स्टेट someone or something is in. So a verb can show an action, an event or a state. We have three different examples on action, event and a state. First, I accidentally locked the door. And the second, the glass shattered with a loud noise. And the third one is, nowadays she feels angry all the time. So, locked is action over there, shattered is an event, and feels is a state. These are types of verbs. Verbs have two categories, main verb and auxiliary verb. And auxiliary verbs again divided into two parts, which is primary auxiliary and modal auxiliary. Let's discuss main verbs. These verbs can function alone in a sentence. They are referred to as a full verb. For example, she spoke to me about her problems. Basically, main verbs jo hain wo alone sentence ko complete karte hain. Main verbs don't need any helping verb. So we can see in an example, she spoke to me. If we say she to me about her problem, but what she did? So spoke is a main verb. Spoke completes the whole sentence and make it meaningful. So there is spoke is a main verb. She spoke to me about her problems. Next aa jata hai auxiliary verbs. In this category, all those verbs that many times function as helping verb for the main verb. Auxiliary verbs basically bahut zyada time in fact wo main verb ki help karte hain as in helping verb. So wo bhi two clauses mein divided hain. First is primary auxiliary and the second is modal auxiliary. So primary auxiliary, these can function both as helping verb and as a full verb. वो full verb की तरह भी काम करते हैं and helping verb की तरह भी. They include be, have and do. For example, their players have an advantage. There is have is a main verb. And another example is he has told me your big secret, and there is has is a helping verb of a told. And next is modal auxiliary. In this, these can function only helping verb and include
द मॉडल्स कैन कुड मैनी माइट विल वुड शेल शुड एंड मस्ट. ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू मस्ट गो देयर. सो देयर इज मस्ट इज अ हेल्पिंग वर्ब ऑफ गो. फिर आते हैं एडवर्ब्स. दीज आर वर्ड्स दैट यूजुअली मॉडिफाई वर्ब्स एडजेक्टिव्स एंड अदर एडवर्ब्स. दे ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ द वर्ब द एडजेक्टिव और द एडवर्ब दे मॉडिफाई जस्ट एज एन एडजेक्टिव एड्स टू द मीनिंग ऑफ द नाउन इट क्वालिफाइज. एडवर्ब्स इतने बिजी हैं, वो उन्होंने खुद को इतना बिजी रखा हुआ है बिकॉज दे मॉडिफाई द वर्ब्स एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स ऑल्सो. जैसे ही एडजेक्टिव नाउन पे ऐड होके एक नई क्वालिटीज उनकी बताता है, वैसे ही एडवर्ब्स जो हैं वो वर्ब और एडजेक्टिव और खुद एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं. फॉर एग्जाम्पल शी इज वेरी टॉल, अनदर इज He sings beautifully, and the last one is your cousin speaks too softly. In these three examples, there is a difference between these three. She is very tall. The very modify the adjective, the word is tall. He sings beautifully. Here, adverbs modify the verb's sense by using beautifully. Your cousin speaks too softly. Here modify the adverbs softly by using too. Now there is a types of adverbs. The first one is adverb of time. These tell us about the time of action and answer the question when in relation to the verb. ये हमें बताता है कि वो उस टाइम के बारे में जब वो एक्शन किया गया एंड उसका रिलेशन वर्ब के साथ क्या है. फॉर एग्जाम्पल दे अराइव्ड टुडे. टुडे इज अ एडवर्ब्स ऑफ टाइम. सेकेंड आ जाता है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस. दीज टेल अस अबाउट द लोकेशन ऑफ एन एक्शन एंड आंसर द क्वेश्चन वेयर इज रिलेशन टू द वर्ब. Another same as a time of adverbs, वैसे ही adverbs of place में location बताते हैं, मतलब उस location पर क्या action हुआ है and उसका relation क्या है verb के साथ. For example, to find a hotel, we will need to walk further. So there further is a adverb of place. Adverbs of manner, these tell us about the quality of an action and answer the question how is relation to the verb. Again the action of quality, ki kya quality of action raha us time ka and what is the relation with and what is the relation is that with verb. For example she debates is a one sentence or a one meaningful sentence, but she debates passionately. So passionately is a adverb of manner. Next आ जाता है adverb of degree. These tell us about the intensity of an action and they can modify a verb, an adjective or an adverb. ये verb, adverb और adjective को modify करता है adverbs of degree to explain the intensity of an action. For example, it is too cold outside to go for a walk. So too cold is a adverbs of degree. Next आ जाता है adverbs of frequency. These tell us how frequently an action takes place and answer the question how often in relation to the verb. कि वो action कितना फ्रिक्वेंटली, कितने कब लिया गया और क्या रिलेशन रहा
उसका वर्ब के साथ. फॉर एग्जाम्पल, आई रेयरली सॉ हर आफ्टर शी लेफ्ट स्कूल. आई रेयरली सॉ हर आफ्टर शी लेफ्ट स्कूल. सो रेयरली इज अ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. ठीक. नेक्स्ट आ जाता है इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स. इंटेरोगेटिव, जहाँ वर्ड इंटेरोगेटिव यूज हो गया वहाँ हमें एकदम क्लिक कर जाता है कि ये क्वेश्चन से रिलेटेड है. सो दीज आर द यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चन अगेन. फॉर एग्जाम्पल, हाउ शी इज फीलिंग टूडे. सो दिस हाउ इज अ इंटेरोगेटिव एडवर्ब. देन नेक्स्ट इज रिलेटिव एडवर्ब. दीज रेफर बैक टू द एक्शन इन द सेम इन द सेंटेंस एंड मॉडिफाई द वर्ब और दे माइट मॉडिफाई द एडजेक्टिव. दे मॉडिफाई द वर्ब एंड दे माइट मॉडिफाई द एडजेक्टिव. फॉर एग्जाम्पल, आई रिमेंबर द डे व्हेन आई फर्स्ट मेट हर. सो द फर्स्ट इज अ रिलेटिव एडवर्ब टू द अनदर वन. एंड द लास्ट वन इज सेंटेंस एडवर्ब. दीज मॉडिफाई द कंप्लीट सेंटेंस बट नॉट अ पार्ट ऑफ इट. ये जो है सेंटेंस एडवर्ब, ये पूरे सेंटेंस को चेंज कर देते हैं बट उसका पार्ट प्रॉपरली नहीं बनते. दे आर यूजली फॉर्म्ड बाय एडिंग एल वाई. वो एक पर्टिकुलर वर्ड में एल वाई अटैच होता है, देन पूरा सेंटेंस ही उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है. दीज मॉडिफाई अ कंप्लीट सेंटेंस एंड नॉट अ पार्ट ऑफ इट. दे आर यूजली फॉर्म्ड बाय एडिंग एल वाई टू एडजेक्टिव एंड आर प्लेस्ड एट द बिगनिंग ऑफ श्योरली द सेंटेंस. ये बिल्कुल सेंटेंस की बिगनिंग में लगते हैं ये वर्ड, एंड इसके जो एडिंग होती है वो एल वाई से होती है. फॉर एग्जाम्पल, श्योरली शी इज नॉट गोइंग टू लीव अस. तो श्योरली, श्योरली जो है वो कम्प्लीटली मीनिंग चेंज कर देता है. तो श्योरली कम्स अंडर द सेंटेंस एडवर्ब एंड इट इज यूज इन द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस. नेक्स्ट आ जाता है सेंटेंसेस. ऑन द बेसिस ऑफ देयर मीनिंग सेंटेंस कैन बी क्लासिफाइड इन टू फाइव टाइप्स. वी नो सेंटेंस इज प्लेइंग अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल इन इंग्लिश लिटरेचर एंड देयर इज इन अ फाइव क्लासिफाइड इन अ फाइव टाइप्स. फर्स्ट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस. टू मेक अ स्टेटमेंट दैट कन्वेज अ इंफॉर्मेशन, दैट इज अ डिक्लेरेटिव sentence. For example, I have forgotten the password to my email account. It is declared that I forgot my email account password. Second आ जाता है interrogative. Interrogative again, there is interrogative related to the question asking. To ask a question that seeks information or an answer. For example, how are we going to deal with the extra expenses this month. Actually, this example is totally suit now in these days because of COVID-19. How are we going to deal with the extra expenses this month? Next आ जाता है imperative. Imperative हमें बताता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है. To tell someone to do or not to do something. For example, leave the door open. दरवाजा खुला छोड़ दीजिए या दरवाजा बंद कर दीजिए. Next आ जाता है exclamatory. To express the intensity of one's feeling of thoughts, it is a exclamatory sentence. How beautiful the sky looks this morning. This is a feeling to express how beautiful sky looks in this morning. Optative, to express a wish or prayer. कोई भी मतलब किसी के लिए wish करना, prayer करना, it comes under the
ऑप्टेटिव सेंटेंसेस. फॉर एग्जाम्पल, मे वी रिटर्न सक्सेसफुल फ्रॉम आर मिशन. नेक्स्ट आ जाते हैं अफर्मेशन एंड नेगेशन. डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव एंड इम्पेरेटिव सेंटेंस कैन बी अ अफर्मेशन एंड नेगेशन. मीन्स अफर्मेशन मीन्स पॉजिटिव, नेगेशन मीन्स नेगेटिव. लुक एट द एग्जाम्पल्स. अफर्मेशन डिक्लेरेटिव, द फ्लाइट हैज जस्ट अराइव्ड. इन दिस सेंटेंस देर इज अ पॉजिटिविटी. नेगेटिव डिक्लेरेटिव, आई डोंट हैव द आंसर टू योर क्वेश्चन. देर इज अ रिफ्लेक्ट द रूडनेस इन अ नेगेटिव डिक्लेरेटिव और अ नेगेटिव इंटरोगेटिव, नेगेटिव इंपेरेटिव. इन दीज थ्री कैटेगरीज, इन अ नेगेटिव इट रिफ्लेक्ट द रूडनेस. नेक्स्ट आ जाता है अफर्मेटिव इंटरोगेटिव, हैव यू बुकड योर टिकट्स. एंड इन अ नेगेटिव इंटरोगेटिव, आर नॉट यू गोइंग टू कॉल योर सिस्टर. देर इज अगेन रूडनेस. अफर्मेटिव इम्पेरेटिव, प्लीज स्विच ऑन द लाइट. एंड इन द नेगेटिव इम्पेरेटिव, डोंट गो अराउंड बेयरफुट. नेक्स्ट आ जाता है आपका यूजेस ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. ठीक है, उसमें जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है हम बेसिकली वो किस किस पर्पस के लिए यूज होते हैं वो हमने एक्सप्लेन किए हैं. इम्पेरेटिव सेंटेंस बेसिकली सजेशन, एडवाइस, वार्निंग के लिए यूज होते हैं. एंड रिक्वेस्ट, कमांड, इंस्ट्रक्शन, इनविटेशन, परमिशन और प्रोहिबिशन. एग्जांपल्स आप लोग देख सकते हैं. नेक्स्ट आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस. जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस हैं वो किस वे से फॉर्म किए जाते हैं. एंड द फॉलोइंग्स आर द टू कॉमन वेज इन विच एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस आर कंस्ट्रक्टेड. यूजिंग व्हाट विद अ नाउन एंड यूजिंग हाउ विद अ एडजेक्टिव और एन एडवर्ब. What an experience, what a victory, what a beautiful sunset. We can express our feelings by using the formation of exclamatory sentence. We express our feelings, what experience, what a victory. And using how with an adjective or an adverb, how absurd all this sound, how rudely she speaks, how careless you are. And these all the examples are like kind of negativeness and rudeness. And what I experienced, what a victory and what a beautifulness is like a positive ones. Let's discuss difference between transitive and intransitive verbs. A transitive verb that requires an object to complete its action is a transitive verb. Transitive verb वो होते हैं जिनको अपना action complete करने के लिए एक particular object की ज़रूरत होती है. For example, Chetan Bhagat has written a novel. And second one is my sister gifted me a football. So in this both the sentence object is required to complete a sentence. And in a intransitive verb that does not need an object to complete its action in an intransitive verb. For example, she paints beautifully and my brother never sneezes. Intransitive verb mein hume apna action complete karne ke liye object ki zarurat nahi padti. So we can see in an example, she paints beautifully. We don't need any object to complete a sentence. She paints beautifully. It is a meaningful sentence.
completing the sentence and their types, let's discuss this difference between the phrase and clause. And according to me, जब भी हम कोई चीज़ comparison में पढ़ते हैं तो वो चीज़ हमें बहुत अच्छे से याद रहती है and clear भी हो जाती है. तो phrase and clause को हम थोड़ा comparison में ही पढ़ते हैं. And there is a some similarities between these two. The first similarity is, it is a group of words and a clause is also a group of words. But in a phrase, there is a no subject and there is a no verb combination. But in a clause, there is a subject and there is a verb combination. But in a phrase, it does not give a complete sense. यहाँ पे एकदम हमें डिफ्रेंशिएट क्लियर हो जाएगा कि फ्रेज जो है वो कभी भी कंप्लीट सेंस नहीं देता और जो क्लॉज है वो कभी कभी कंप्लीट सेंस देता है और कभी कभी नहीं देता. सो जो फ्रेज का एग्जांपल हम एक बार देख लेते हैं. द केक विद चेरीज, देर इज़ अ नो मीनिंग एंड देर इज़ अ नो सेंस इन दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स. सो दिस इज़ अ फ्रेज. And clause is divided into two categories, dependent clause and independent clause. And इनके नाम से ही हमें थोड़ा clear हो रहा है कि dependent मतलब किसी पे आभारी रहना, independent मतलब आज़ाद रहना. So dependent clause वो होते हैं जो दूसरे clause या दूसरे sentence या दूसरे phrase पे depend करते हैं. And independent clause वो होते हैं जिनका खुद में एक meaning होता है. So example is, since I was tired, I decided to go bed. Since I was tired, this is a dependent clause. इस particular line का कोई meaning नहीं बनता, इसीलिए ये dependent clause में आता है. I decided to go to bed, ये independent clause है, इसमें खुद का अपना एक meaning है. And dependent clause को दूसरे clause पे depend रहना पड़ता है, जैसे कि उसका नाम. Here comes our last topic, punctuation. Punctuation हमें बहुत जगह काम आता है, हमारा reading part में, writing part में, speaking part में. Punctuation जो है बहुत important role play करता है. In writing, punctuation helps us to emphasize pauses or other changes which are much easier to indicate when we are speaking. Punctuation also helps to clearly communicate the meaning of a sentence. First आता है comma. It is used to express the shortest pause and is used as a separator but always within the sentence, never in the end. जो comma है वो एक shortest pause के लिए use होता है sentence के बीच में, वो कभी भी sentence के end में नहीं लगाया जाता या कॉमा लगा के सेंटेंस का एंड नहीं किया जाता. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बॉट कैरेट्स, पोटैटोस, पीज एंड अनियंस, देन फुल स्टॉप. नेक्स्ट आता है हमारा फुल स्टॉप. फुल स्टॉप जो है वो हमें बहुत लंबा पॉज देता है. इट मार्क्स एट द एंड, हमेशा सेंटेंस के एंड में लगता है एंड गिव अ लॉन्ग पॉज. फॉर एग्जाम्पल, शी इज गोइंग टू होम, फुल स्टॉप एंड टेक अ लॉन्ग पॉज. नेक्स्ट आ जाता है सेमी कॉलन. इट डोनेट्स अ ग्रेटर देन दैट ऑफ कॉमा. जो सेमी कॉलन है हमारा वो कॉमा से थोड़ा सा लंबा पॉज हमें देने की अनुमति देता है, लेने की अनुमति देता है. दे सीम टू हैव अ वंडरफुल डे आउट, सेमी कॉलन. They visited the botanical garden, the state museum and the water park. Next आ जाता है colon. It donates a pause which is longer than both the comma and the semicolon, but shorter than a full stop. Semicolon जो है वो हमें pause देता है comma और semicolon से लंबा, but full stop से छोटा. नेक्स्ट आ जाता है एपोस्ट्रोफीज.
इट इज़ कॉमनली यूज फॉर द फॉलोइंग पर्पस: टू शो पोसेशन, टू शो अ टाइम ऑफ पीरियड, टू जॉइन वर्ड्स थ्रू कंट्रैक्शन. फर्स्ट हम यूज करते हैं माई फादर्स इंटरेस्ट आर वेरी सिमिलर टू माई यंगर ब्रदर्स. एंड टू टाइम पीरियड के लिए वी हैव लेस देन अ वन वीक्स टाइम टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट. एंड द लास्ट वन, टू जॉइन वर्ड्स थ्रू कंट्रैक्शन, यू कैन से कांट बट यू कांट से मेट. बिकॉज हम कुड नॉट के लिए भी हम कुडंट लगा लेते हैं, कैन नॉट के लिए कांट लगा लेते हैं, डू नॉट के लिए डोंट, बट मे नॉट के लिए हम मेनट नहीं लगा सकते बिकॉज दिस इज इनकरेक्ट. यहाँ पे हमारे सारे टॉपिक्स कवर होते हैं. होप सबको बेसिक क्लियर हुए हों इन टॉपिक्स के. एंड थैंक यू सो मच दीपिका मैम, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी